गोल्डन हेयर चोर। एक बार परमेश नाम का एक चोर उसके गुरु के पास आया। क्यों भाई परमेश, आजकल मैं कोई चोरी किया? किया मास्टर जी, एक पर्स चुराया। हाँ क्या, वैसे जब पर्स चुराए तो कोई चोर चोर कहकर पुकारा? नहीं मास्टर जी, किसी ने पुकारा ही नहीं, इसीलिए ये सक्सेस आपके साथ शेयर करने के लिए 10 किलोमीटर भागते भागते आया हूँ मास्टर जी। रे, मेरे अनुभव के प्रकार कह रहा हूँ, वो खाली पर्स तो नहीं है, एक बार देख लो। पर्स जब ओपन करके परमेश ने देखा तो, मास्टर आपने सच कहा मास्टर, ये खाली पर्स ही है। रुकिए, अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो रे? उसे खाली पर्स क्यों रखे रे, कम से कम 10 रुपए तो रख लो, कहकर आता हूँ मास्टर। अब खाली पर्स भी 10 किलोमीटर भाग कर दोगे क्या रे? रे, मैं तुम्हें इतना बड़ा चोर बनाना चाहता था, लेकिन तुम क्या ऐसे बन गए? गुरुजी, मैं बहुत ईमानदार चोर हूँ। पहले तो चोर हो और ऊपर से ईमानदारी की बात कर रहे हो। छी, जाओ यहाँ से, कभी दिखाई मत देना मुझे। मेरे स्कूल में बिन लाडेन, माल्या जैसे लोग क्रैश कोर्स करके बड़े बड़े चोर बने। तुम यही रहे तो मेरे स्कूल को बुरा नाम लाने वाले हो। गेट आउट। परमेश वो बातें सुनकर बहुत दुखी होकर, गुरुजी जाने दो, कम से कम मेरे सर्टिफिकेट्स तो दे दीजिए गुरुजी, कहीं से नौकरी तो मिलेगी। रे, जब तुम सक्सेसफुली चोरी करोगे तभी मैं तुम्हें सर्टिफिकेट दूंगा, तब किंगफिशर, डकोटा ऐसे बड़े बड़े कंपनी में तुम्हें नौकरी मिलेगी। नाउ गेट लॉस्ट। परमेश बहुत दुखी होकर क्या करे समझ नहीं पा रहा था और जंगल की तरफ तब चल रहा था, तो एक पेड़ के नीचे एक लेडी बैठकर रो रही थी। तब परमेश उस औरत के पास जाकर, आप कौन हो माँ, यहाँ क्यों बैठे हो, क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्यों, वैसे तुम कौन हो? मैं जस्ट पास हुआ सिंसियर चोर हूँ, कहकर अपने बारे में कहने लगा। वो एकदम से हंस पड़ी। तब वो औरत हंसते हुए, ऐसे स्कूल्स भी होते हैं क्या? तो फिर ठीक है, मैं और मेरी दीदी साथ रहते थे। एक दिन स्वामी जी हमारे घर पर आश्रय के लिए आए थे। मेरी सेवा के बाद प्रसन्न होकर उन्होंने कुछ तेल दिया। अगर वो तेल बालों को लगाया तो कहा था कि सोने के केश आएंगे, लेकिन मेरी दीदी वो बात जानकर वो पूरा तेल उन्होंने ही लगा लिया। उसके पूरे बाल सोने के बाल बन गए। अब वो बहुत अमीर बन गई है और मुझे घर से निकाल दी। ओहो, इतना बड़ा धोखा, मेरे स्कूल में ज्वाइन हुई तो जरूर इसे ही फर्स्ट प्राइज मिलेगा जी। ठीक है, मेरी एक मदद करो, मेरी बहन के बाल अगर तुम चोरी करके लाए तो उसे हम दोनों आधा आधा कर लेंगे। परमेश तब ठीक है कहकर उस रात धीरे से एक सीढ़ी पर चढ़कर घर के खिड़की से एक बड़ी कैंची की मदद से उस सोने के बाल को चुरा लिया। वो सोने के बाल को उस औरत को दिया और, ये लीजिए जो आपने मांगा वो सोने के बाल, कहते हुए दिया। परमेश, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी, ये बालों में आधा हिस्सा तुम लेकर तुम भी अमीर बन जाओ, कहकर वहाँ से चली गई। अचानक फिर परमेश बहुत अमीर बन गया। ये बात जानकर उसके गुरु आकर, आई एम प्राउड ऑफ यू, ये लो तुम्हारा सर्टिफिकेट ऑफ रॉबरी, कहकर उसे सर्टिफिकेट दिया। बांसवाड़ा नाम का एक गांव है, उसमें विजय नाम का व्यक्ति ट्रक ऑटो चलाता था। उसे वही गांव में रहने वाली कीर्ति बहुत पसंद थी। एक दिन कीर्ति और उसका भाई विकी दोनों मिलकर आ रहे थे। अब विजय के पास आए। कीर्ति से विजय, कीर्ति मैं कब से तुम्हें ये बात बोलना चाहता था, मैं तुम्हें देखूं बस प्यार में डूब जाता हूँ, मुझे तुमसे शादी करनी है, तुम्हें ऐतराज तो नहीं है ना? वो सुनकर कीर्ति का भाई विकी, ये भी आपकी जैसी है इसलिए नहीं चलेगा, जाकर पापा से ही बात करो, शायद वर्कआउट हो जाएगा। उसके लिए विजय, ठीक है विकी, थैंक्स। ये सब वही मौजूद परेश ने सुना। अब मन में परेश, एक ट्रक ऑटो चलाने वाला तुम जैसे इंसान को गांव से सबसे खूबसूरत लड़की चाहिए, देखते रहो तुम्हें कैसे सबक सिखाऊंगा, सोचा। तब परेश अपने कार में कीर्ति के घर आया। घर से कीर्ति के पिता का आदमी सिंथल बाहर आया। अब उनका आदमी सिंथल, हाय, दिस इज सिंथल, पहलवान राम सिंह इज कमिंग, एवरीवन स्टे स्टडी एंड स्टिफ, कीप योर बॉडी स्ट्रेट, यूं जोर से चिल्लाया। अरे वो सिंथिया, यहाँ मैं अकेला तो हूँ, ऐसे कह रहे हो कि 100 लोगों को सुना रहे हो और वो भी इंग्लिश में झाड़ रहे हो।
ओहो, लगता है इनकी जुबान बहुत चलती है। देखता हूँ, फिर ऐसे रिपीट किया तो मेरे बुलेट तेरे मुंह में जाएगा, कहा अपने हाथों में गन दिखाते हुए। अब राम सिंह आकर कुर्सी पर बैठा। अभी राम सिंह, बोलो परेश, कैसे इस तरफ आना हुआ, कोई विशेष बात? कुछ नहीं अंकल, कल गांव से आया तो आपकी बेटी को देखा तो बहुत अच्छी लगने लगी है। एकदम आलिया भट्ट की बहन कहेंगे तो लोग मान लेंगे। खैर, तुम्हारी बेटी को देखकर शादी किया तो एक साल के अंदर मल्लिका शरावत या हिमेश रेशमिया जैसे बच्चों को पैदा करके तुम्हारे हाथ में दे देंगे। ओहो, लगता है ये बाबू को बहुत जल्दबाजी है, तभी सुहागरात और बच्चों तक तो चले गए। तब वहाँ विजय, कीर्ति, विक्की ट्रक ऑटो में आए। तब विजय राम सिंह के पास आकर, नमस्ते राम सिंह पहलवान जी, मेरा नाम विजय है। आपकी बेटी कीर्ति से मुझे बहुत प्यार है, उसे भी मेरा प्यार का इजहार किया हूँ, लेकिन वो आपसे पूछने को बोली है। वो बातें सुनकर राम सिंह, अरे बहुत दुविधा हो गई है, तुम दोनों मेरी बेटी की हाथ मांग रहे हैं, एक से नहीं करवाऊं तो दूसरे को तकलीफ होगी। ठीक है, एक काम करते हैं, परेश के कार में और विजय के ट्रक में एक रेस रखते हैं, उनमें से जो भी जीतेगा उसे मेरे बेटी को दे दूंगा। तब वहाँ मौजूद सिंतल से कीर्ति का भाई, चाचा जी, दीदी को विजय ही पसंद है तो आप ही कुछ कीजिए। तो वह बातें सुनकर सिंतल, पहलवान जी, प्रतियोगिता यानी सब एक समान होना चाहिए, तो विजय को एक वुडन ट्रक और परेश को एक वुडन कार बना के देते हैं, एक दिन में जो भी ज्यादा कमाएगा हमारी बेटी को उनके हाथ में सौंप देंगे। उसके लिए राम सिंह, ठीक है सिंतल, सही आइडिया है, वैसे ही करेंगे। प्रतियोगिता के लिए विजय परेश ने भी हां किया। अब विजय से परेश, अरे विजय, वो लोहा हो या लकड़ी का ट्रक, मेरे रेस कार के आगे आउट हो जाएगा, देख लेना। सोचकर वहां से निकल गया। अब रात हो गई, विजय के पास कीर्ति विक्की आए। किसी भी तरह तुम्हें ही जीतना होगा विजय। तुम घबराओ मत, मेरे पास मेरा प्लान है। अगले दिन विजय अपने ट्रक के ऊपर रंग बिरंगे गैस बलून्स लगाकर उन्हें बेचने रखा था। अब परेश अपने वुडन कार को लेकर वहां आया। अब विजय को देखकर परेश, क्यों भाई, गुब्बारे का दुकान रखे हो, तुम्हारे बेलून्स कौन खरीदेगा और कब खरीदेंगे, तुम्हें एक रुपए भी नहीं मिलेगा। मुझे एक भी रुपए मिले तो काफी है, मैं ही जीतूंगा। बाप रे, देखते हैं। फिर परेश की बातों की फिक्र ना करते हुए विजय, आओ भाई आओ, अच्छे गैस बेलून्स एक के साथ एक मुफ्त देंगे, एक बेलून सिर्फ एक ही रुपए, आओ आओ। वो बातें सुन के एक विजय के पास आकर, भैया एक रुपए के गुब्बारे देना। तब विजय पैसे लेकर उसे बलून्स दिया। वो देकर परेश मन में, बाप रे, वो फ्री बोला तो लोग भर भर के आएंगे, हम भी कुछ देकर फ्री कहेंगे तो लोग हमारे पास भी आएंगे, अब कुछ भी करूं ये विजय को मुझसे ज्यादा कमाना नहीं दूंगा। सोचकर, आओ भाई आओ, एक बैठेंगे तो दूसरा फ्री, पूरा गाँव में घुमाऊंगा, आओ भाई आओ। अब वो सुनकर लोग परेश के पास आए। वो देखकर विजय, आओ भाई आओ, एक खरीदने से पांच फ्री। अरे विजय, जितना भी प्लान बना लो, जीत तो मेरी ही होगी, आओ भाई आओ, एक चढ़ो तो छह लोगों को फ्री। वो सुनकर लोगों में से एक, रे आओ रे, एक टिकट खरीदने से छह लोगों को मुफ्त में ले जा रहे। बस वहाँ मौजूद सारे लोग एक ही क्षण में आए और वुडन कार पर बैठ गए। बस उनके इतने वजन को संभाल नहीं पाने से वो वुडन कार टुकड़े टुकड़े में हो गई। यूं टूट जाने से परेशान दंग रह गया। वो देखकर लोगों में से एक, ये तो खटारे कार लेकर आकर बहुत बिल्डअप दे रहा है और ऊपर से बोल रहा है सबके लिए फ्री है, कहकर चला गया। अब परेश के पास आकर विजय, अरे वो गधे, वुडन कार इतनी भार नहीं उठा पाएगी, ये बात नहीं समझे क्या, इसलिए मैंने बेलून्स को बेचा, पहले ही कहा था ना मैं तुम्हें एक रुपए में हरा दूंगा। वहां आकर राम सिंह, शाबाश दामाद, ये है दम की बात, ये लो आज से मेरी बेटी तुम्हारी जिम्मेदारी है। विजय ने कीर्ति का हाथ थाम लिया। एक गांव में त्रिवेदी नाम का एक जुआरी हुआ करता था। वो नींद से जागते ही पत्तों को प्रणाम करके कॉफी यूं पुकारते हुए अपने हाथ में रखे पत्तों के साथ अकेले ही तीन पत्ती खेलता था। उसकी पत्नी पायल कॉफी का कप त्रिवेदी को दी। वो कॉफी पीते हुए त्रिवेदी, पायल तुम्हारी मति मारी गई है क्या, प्लेयर्स को पौष्टिक आहार देना तुम्हें नहीं आता है क्या, कॉफी में बिना दूध के सिर्फ डिकॉशन ही दी हो, यूं डाटा। आ,
दूध वाले को पैसे नहीं दिए इसीलिए वो दूध नहीं डाला। वैसे तुम क्या दंगल सिनेमा के आमिर खान हो? जिस तीन पति त्रिवेदी हो, जो दिया है उसे चुपचाप पी लो। तब गुस्से से त्रिवेदी, डार्लिंग पायल मेरे तीन पति को कम मत समझो। नेशनल गेम्स में अगर तीन पति दाखिल होता तो मेरा खेल के रिकॉर्ड्स देखकर मुझ पर ऑटोबायोग्राफी भी लिख देते और तीन पति त्रिवेदी का नाम से पिक्चर भी निकालते, पता है? अच्छा बकवास बस करो, वैसे सुबह सुबह ही अकेली बैठकर पत्ते खेल रहे हो, पगला गए हो क्या? पागलपन नहीं पायल, प्रैक्टिस। विराट कोहली अपने आप को अच्छा प्लेयर मानकर घर पर बिना प्रैक्टिस के सीधा खेलने उतर गया तो खेल कैलाश जाएगा और कोहली पवेलियन जाएगा। एक बात याद रखना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हाँ याद रखूंगी, तुम्हारे हाथ में ये पत्ते और मुंह से बोले गए ये बातें सब बेकार है, ये याद रखूंगी। अच्छा बाजार जाकर दूध सब्जी और राशन लेकर आओ, कहकर चली गई। तब त्रिवेदी अपने हाथों में रखे पत्तों से, पत्ते माँ अब तुम्हें ही मुझे बचाना होगा। यूँ कह ही रहा था कि दरवाजे पर आया एक व्यक्ति, तीन पति त्रिवेदी भाई, यूँ कहकर बुलाया। आइए आइए बाजीराव जी, एक हफ्ते से खेलने नहीं आए, कहाँ गए? बाकी के प्लेयर्स एक घंटे में आ जाएंगे, आकर बैठिए, मैं नहा कर जल्दी आता हूँ। नहीं भाई नहीं, पत्तों को हाथ लगाए एक हफ्ता हो गया, मैं एक घंटा इंतजार नहीं कर सकता, हम दोनों एक दाव खेल लेते हैं। हाँ मुझे दूध सब्जी के लिए भी पैसे चाहिए, खेलते हैं। यूँ मन में सोचकर, वेरी गुड बाजीराव साहब, वेरी गुड, गेम स्पिरिट ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है खेलते हैं, कहकर दोनों बैठकर खेले। त्रिवेदी जीत गया। तब बाजीराव दाव के पैसे त्रिवेदी को देते हुए, त्रिवेदी तुम्हें तो कोई तीन पत्ती में हरा ही नहीं सकता, यूँ उसको शाबाशी दिया। ऐसा कुछ नहीं है बाजीराव साहब, पत्ते अच्छे गिरे तो कुत्ता भी खेल सकता है, कहकर अंदर गया। पत्नी पायल को पैसे देकर, देखा पायल ये लो पैसे, इन पैसों से जो चाहिए वो सब्जी लाओ, दूध ज्यादा लाना, घर पर बहुत इज्जतदार पत्तों के प्लेयर्स आ रहे हैं, उन्हें कॉफी टी सब देना पड़ेगा। पहली बात तो जुआ घर पर खेलना ही शर्मिंदगी वाली बात है, अब वो खेलने वाले लोगों की बड़ी इज्जत है। हाँ यूँ सर मारकर चली गई। त्रिवेदी अपने घर आए दोस्तों से तीन पत्ती खेल रहा था। इतने में त्रिवेदी की पत्नी पायल, बाजीराव की पत्नी सिमरन दोनों एक पुलिस इंस्पेक्टर के साथ वहाँ आए। वो इंस्पेक्टर को बड़े बड़े मूछे और एक बड़ा सा पेट था। इंस्पेक्टर को देखते ही सब डरकर पत्तों को नीचे फेंक कर खड़े हो गए। रे तीन पति त्रिवेदी, तुम अब तक जुआ खेलते हुए 10 बार पकड़े गए हो, हर बार कुछ न कुछ कहते चूट जाते हो, अब तो रंगे हाथ पकड़े गए हो, तुझे और तेरे दोस्तों को अरेस्ट करके जेल में डालता हूँ। यूँ डरा रहा था। इंस्पेक्टर साहब मेरे पति गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, केस बुक करोगे तो जॉब चली जाएगी, इस बार अच्छे से वार्निंग देकर छोड़ दीजिए, कहकर रिक्वेस्ट की। कुछ देर विचार करके इंस्पेक्टर, ठीक है लेडीज इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसीलिए छोड़ रहा हूँ, अब तुम सब लोग भगवान पर कसम खाइए। यूँ कहकर भगवान का तस्वीर पर सबका हाथ लगवा कर, हम जब तक जीवित है घर के अंदर या घर के बाहर, ऑफिस के अंदर या ऑफिस के बाहर, बस में कार में ट्रेन में, और ये सब क्यों? ये भूमि पर ही तीन पत्ती नहीं खेलेंगे, ये कसम खाते हैं, यूँ कहिए। सब ने एकदम वही कहा। उस शाम एक भयानक रोग के फैलने के कारण पूरा इंडिया लॉकडाउन में था। एक हफ्ते के बाद त्रिवेदी बाजीराव दूसरे दोस्त सब मिले। ये लॉकडाउन के कारण एक दूसरे से नहीं मिल पाए, ऑफिस नहीं तीन पत्ती नहीं, पूरी लाइफ बहुत बोरिंग हो गई है। ऑफिस तो अब खुलने से रहा, लेकिन तुम्हारे लिए मैं तीन पत्ती का खेल अरेंज करता हूँ बाजीराव साहब। तीन पत्ती कैसे खेलेंगे? हम तो भगवान पर कसम खाए है ना, वो कसम मैं नहीं तोड़ूंगा। तब एकदम से त्रिवेदी, बाजीराव भाई आपका किया हुआ वादा एक बार याद कीजिए, हम भूमि पर नहीं खेलेंगे ये कसम लिए थे ना, भूमि के अंदर खेलेंगे तो भगवान को दिए कसम को थोड़ा हुआ नहीं मान सकते। बाप रे बचा लिया, तुमने तो तीन पति त्रिवेदी, लेकिन भूमि के नीचे कैसे खेलेंगे? कल सुबह आप हमारे कॉलोनी के पीछे वाले फॉरेस्ट में आइए, वहाँ खेलेंगे। नहीं नहीं, पुलिस वाले फ्लाई कैम्स उड़ाकर ओपन प्लेसेस को कड़ी निगरानी में रखे हैं। हम जंगल में ओपन प्लेस में नहीं खेलेंगे, आपके लिए मैं अंडरग्राउंड तीन पत्ती का इंतजाम करूंगा। अगले दिन सब जंगल में मिले। त्रिवेदी सबको एक सुरंग के पास लाकर, देखो फ्रेंड्स ये प्रकृति का बनाया हुआ सुरंग मार्ग है, इसमें हर कोई नहीं जा सकता सिवाय हमारे जैसे डेडिकेटेड तीन पत्ती प्लेयर्स के अलावा, चलो अंदर जाके खेलेंगे, कहकर सबको अंदर ले गया। सब अंदर बैठकर वहां तीन पत्ती खेलने लगे। जीपीएस के मदद से बाजीराव रहने वाले सुरंग को बाजीराव की पत्नी ढूंढ निकाली। पायल इंस्पेक्टर
और कुछ पुलिस वाले को बुलाकर बाजीराव की पत्नी सुरंग के पास आकर, रे जुआरी तुम लोग कहाँ हो मुझे पता है, तुरंत बाहर आइए। अंदर खेल रहा बाजीराव, अरे मेरे पति को पता चल गया होगा कि मैं तीन पति खेल रहा हूँ, अब पकड़ा गया तो मुझे मार डालेगी। क्यों चिंता करने लगा? बाजीराव साहब अब घबराए मत, इस सुरंग के अंदर वो लोग नहीं आ सकते, कुछ देर चिल्लाकर खुद चले जाएंगे, हम रंगे हाथ नहीं पकड़े जा सकते। सुरंग के बाहर इंस्पेक्टर, मेम साहब लगता है वे लोग बाहर नहीं आएंगे और हम अंदर नहीं जा सकते, तो क्या करें? मेरे पास एक उपाय है, कहकर वहाँ सूखे पत्तों को इकट्ठा की, उन्हें जलाकर धुएं को सुरंग में छोड़ दी। धुआं अंदर आने लगा तो सब खांसने लगे, कुछ देर बाद सांस नहीं ले पाए तो सब बाहर निकल आए। पुलिस वालों ने पकड़कर खूब पीटे और सबको अरेस्ट किए।